जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वह ऐसे ही आएंगे क्योंकि हिंदी में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती है। तो यदि आप कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल और ट्रेडमैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा। यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के एग्जाम 2018 से है जो कि 11/2/2019 को प्रथम पाली में हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है भाग डी में अर्थात हिंदी के भाग में कुल 25 प्रश्न रहते हैं, तो वो 25 मैं बताऊंगा, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट करना है। मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ के बच्चे देखते हैं ये मुझे जानने की इच्छा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर देखिए 76 दिया गया है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि आप वाक्य में त्रुटि ढूंढते हैं तो आपको दो तीन चीज जैसे कि कारक, लिंग निर्णय और वाक्य, इसके बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप ये जानते हैं तो चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे यहां पर दिया गया है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। अब यहां पर आप देखना, परिश्रम का क्रिया के साथ का प्रयोग किया गया तो यहां पर होती कैसे कर दिया गया, गलती है ना। यहां पर क्या होगा, होता है, मीठा होता है। त्रुटि किसमें है, इस भाग में है। तो ढूंढिए यह भाग कहां दिया गया है, ये भाग आपके 76 के बी में दिया गया है, तो 76 का बी उत्तर हो जाएगा। समझ गए, सीख गए ना त्रुटि निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 77 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहां पर आपको दिया गया है सो का कुल, सो के अनुकूल, यहां पर सौ का कुल कर दिया गया, सौ का कुल नहीं होता है, सो का कुल होता है। ये देखिए सो का कुल, बिल्कुल ठीक है, वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर सो कुल है, यहां पर सो कुला है, तो ये सब आपके गलत हो गए, उत्तर आपका 77 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 दिया गया है सही वर्तनी वाले, और यहां पर मौखिक दिया गया है, म औकार, ख हर्षिकार और क, ये आपका सही होता है, ये ढूंढना है। पहले में देखिए आप मौखिक किया गया है जो कि गलत है, बी वाला देखिए मौखिक बिल्कुल सही है, 78 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 79 दिया गया है कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द के द्वारा करनी है, और रिक्त स्थान क्या दिया गया है, बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापा से दुखी हो सकता है क्योंकि बुढ़ापा में उसको सहारा चाहिए होता है, और कोई भी व्यक्ति सहारा लेकर जीने में आनंद पूर्वक फील नहीं करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। बुढ़ापा आपका 79 के सी में दिया गया है, तो 79 का सी उत्तर हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे की लाठी यह किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसके लिए एक शब्द देना कमेंट बॉक्स में, इसके लिए मुझे एक शब्द चाहिए जो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 आपको दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। यहां पर आपको दिया गया है योग्य, जो किसी कार्य या पद के लायक होता है उसको योग्य माना जाता है, और जो उसके लायक नहीं होता है तो उसको अयोग्य माना जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 80 का ए हो जाएगा, अयोग्य। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब देखिए 81 दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यहां पर आपको दिया गया है अर्जुन, चलिए जल्दी से लिखिए अर्जुन के लिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा। तो अर्जुन के लिए एक तो आपका पार्थ, भगवत गीता सुने हैं उसमें पार्थ, उसके बाद देखिए एक और है धनंजय, धनंजय, उसके बाद इनको जिष्णु भी कहा जाता है, जिष्णु, ठीक है, उसके बाद इनको फाल्गुन भी कहा जाता है, फाल्गुन, तो ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची में आते हैं। ढूंढिए कौन सा दिया गया है, जगदीश नहीं होगा, शमशीर नहीं होगा, धनंजय हो जाएगा, तो 81 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए, ठीक इसी प्रकार
82 देखिए क्या दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य क्या दिया गया है, मोहन ने अपने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की नहीं होना चाहिए, अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। समझ गए, यहां पर आप देखना मोहन के साथ ने का प्रयोग करके संबंध दर्शाया गया है, तो यहां भी तो के का प्रयोग होना चाहिए था, की कैसे कर दिया गया, ये गलती है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पत्नी की गहने, इस भाग में त्रुटि है। ये रूढ़ी है आपके देखिए बी में दिया गया है, तो 82 का बी उत्तर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 83 दिया गया है अंग अंग ढीला होना। इस मुहावरे के सही अर्थ के लिए चार विकल्प हैं, जो विकल्प आपको सही लगता है वो चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना, हार जाना। मुझे आप बताना कब आपका अंग अंग ढीला हो जाता है, जब आप कोई कार्य बहुत देर तक या लगातार करते हैं, फिर आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा थकान आ जाती है। जब अत्यधिक थक जाते हैं तो आपका अंग अंग ढीला हो जाता है, और जैसे ही बिस्तर पे जाते हैं आंखें लग जाती है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 83 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, अत्यधिक थक जाना। समझ गए, यहां तक आप सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। यहाँ पर वाक्यांश है, जो जन्म से अंधा है उसे क्या कहा जाता है, तो जो जन्म से अंधा है उसको जन्मांध कहा जाता है। जन्मांध ढूंढिए, ये आपके डी में दिया गया है। तो 84 का उत्तर क्या हो जाएगा, 84 का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 85 दिया गया है कि दिए गए रंगीन या रेखांकित पद शब्द या वाक्य को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। यहां पर दिया गया है शीला मेरी बहन है, बहुत बढ़िया, वह बच्चों के साथ खेल रही है, बस छोटी सी त्रुटि थी। अब यही चीज हमें यहां पर ढूंढना है, रहे नहीं होगा, रही का प्रयोग होगा, और यहां पर देखना बच्चों को का प्रयोग कर दिया गया, बच्चों के साथ खेल रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखना बच्चों से, तो ये दोनों भी गलत हो गया, रही तो है यहां पर लेकिन यहां पर संबंध गलत दर्शाया गया है, तो ये दोनों गलत हो गए, क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो 85 का बी ऑप्शन हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देखते हैं, 86 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या दिया गया है, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, यहां पर हो रही नहीं, हो रहा है, ये प्रयोग में आना चाहिए। गलती मिल गई आपको, इस भाग में है, ये भाग ढूंढिए आपके ए में दिया गया है, परिवर्तन हो रही है, तो 86 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए, 87 दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है, कुबेर, तो कुबेर के लिए पर्यायवाची क्या क्या होता है बताइए। देखिए धनद कहा जाता है, धनद, यक्षराज, एक बोला जाता है धनाधिप, किन्नेस, राजराज, है ना, ये सब प्रयोग किया जाता है कुबेर के लिए, कुबेर के पास बहुत सारे धन है ना। तो ढूंढिए इस चार ऑप्शन में से कोई एक मैच कर रहा है, यमराज तो नहीं होगा, महाराज भी नहीं होगा, यक्षराज जो कि सी में दिया गया है, तो 87 का सी उत्तर हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। 88 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है, वसंत पंचमी के दिन देवी की डैश की जाती है, या देवी से डैश की जाती है, तो प्रार्थना, देवी से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। ढूंढिए प्रार्थना आपके बी में दिया गया है, तो 88 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए 89 दिया गया है, और यहां पर हमें रेखांकित पद शब्द या वाक्य को प्रतिस्थापित करना है। क्या दिया गया है, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। क्या होगा यहां पर, किया का प्रयोग होगा। अब ढूंढिए किया वाला कोई है, स्वरूप तय करने, करना, हुआ, किया, ये देखिए मिल गया आपको। डी में क्या दिया गया है,
स्वरूप से तय किया जाने लगा है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 89 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। ठीक है, यहां तक सही है आप? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 90 दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? मेरी बस डैश गई। बस अधिकतर क्या होता है? समय से लेट होने पर छूट जाती है। बाकी ऑप्शन देखिए, सो, मार, उर, ये संभव ही नहीं है। क्या हो जाएगा? मेरी बस छूट गई। तो 90 का ए उत्तर हो गया। सही है यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रंगीन या रेखांकित पद को, शब्द को या फिर वाक्य को प्रतिस्थापित करने के लिए हमें निम्न वाले से चयन करना है। बताइए क्या हो जाएगा? गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल होता है, ताल ये नहीं होता, कदम ताल कर रहे हैं, ये आपको ढूंढना है। तो सैनिक कदम ताल आपके ए में ही दिया गया है, उत्तर यहाँ पे ही मिल गया आपको। 91 का ए उत्तर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, कदम ताल ने, कदम ताल ने, कदम ताल ने, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, तो 91 का ए उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 92 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? आकाश में डैश चमक रहे हैं। आकाश में दिन में सूर्य चमकता है जिससे प्रकाश आता है, और रात में तारा चमकता है, या आप तारे कह लीजिए, है ना? ढूंढिए इन दोनों में से क्या दिया गया है। तारा दिया गया है, सोना तो चमकेगा नहीं, बादल तो चमकता ही नहीं है, चांदी भी नहीं है, चांदी आकाश में मिलता ही नहीं है ना? उत्तर क्या हो जाएगा? 92 का ए उत्तर हो जाएगा, तारा। समझ गए यहां तक? चलिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम 7979946092 इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां पर रिप्लाई 100% दिया जाएगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में है, फ्री मिलेगा, कोई चार्ज नहीं उसका। तो टेलीग्राम एप्लीकेशन का प्रयोग करके आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 93 दिया गया है, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वैसे व्यक्ति जो प्रयास नहीं करते हैं और उनको चीजें मिल जाती हैं, तो उसको कहा जाता है अंधे के हाथ बटेर लगना। यहां पर देखिए, बिना प्रयास के कीमती वस्तु हाथ लग जाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 का ए उत्तर हो जाएगा। डी में देखिए दिया गया है प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, तो ये नहीं होगा, उत्तर आपका ए वाला हो जाएगा, बिना प्रयास के कीमती वस्तु हाथ लग जाना, उसको कहा जाता है अंधे के हाथ बटेर लगना। जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं तो कला के आते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनके हाथ बटेर लग गई। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 94 दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द है आपका यस। यस कैसे मिलता है? आपके अच्छे कार्यों से। यदि आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपका नाम चारों ओर फैलता है, आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, यह कहलाता है यश। वहीं जब आपकी कोई बुराइयां करे तो आपको कैसा लगता है? अप यश, आपका नाम डूबा जा रहा है। इसलिए कार्य जो भी करें अच्छा करें, ताकि आप यश की प्राप्ति करें, अप यश की नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 94 का सी हो जाएगा। अप यश आपको यहां पर दिया गया है, जो कि यश का विलोम होता है, तो 94 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए, 95 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है? जो मोक्ष चाहता है। तो वैसे व्यक्ति जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उसको मुमुक्षु कहा जाता है। ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? 95 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, मुमुक्षु। ठीक है यहां तक? अब आगे बढ़िए। आगे आपको गाद्यांश वाला दिया गया है, और इन गाद्यांश के ऑप्शंस को हमें फिल करना है। यहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, 5 प्रश्न हैं, 5 मार्क्स मिलेंगे। आप सभी के लिए मॉक टेस्ट भी अरेंज किया गया है। आप यदि टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज, तो उसके लिंक आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए चेक कीजिए।
ठीक है, वहां पर टेस्ट सीरीज में जाइए, और हिंदी के 5 क्लासेस हो चुके हैं अध्याय वर, उसके टेस्ट भी मौजूद हैं, और ये तीसरा सेट है हिंदी के प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो वो सभी मौजूद हैं, आप जाकर इन सभी को लगा सकते हैं, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है उस पे, जाइए फायदा लीजिए। और याद रखिएगा वहां पर निगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स का, अर्थात -0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है, उसका भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए गाद्यांश को पढ़ते हैं। गाद्यांश क्या दिया गया है? आजकल अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की डैश विशेषता है, ऑप्शन देखिए यहां पर दिया गया है, आराम, नींद, व्यक्ति और स्वभावगत। जल्दी बताइए क्या होगा? मनुष्य की स्वभाव की कुछ विशेषता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्वभावगत, स्वभावगत। ठीक है, तो उत्तर आपका 96 का डी हो जाएगा। और स्वभावगत विशेषता क्या होती है बताइए? जिज्ञासा, चीजों को जानने की इच्छा, जिज्ञासु होते हैं ना, मनुष्य का स्वभाव ही है जिज्ञासु होना। देखते हैं अगला क्या पूछा गया है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, यहां पर आपको जिज्ञासु, संपादक, विक्री और संकेत दिया गया है। चलिए पढ़िए इसको, मनुष्य की स्वभावगत स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना। क्या होना? जिज्ञासु होना, आसपास की चीजों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु होना, यह मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 97 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला बढ़िए, अगला देख लीजिए आपको क्या दिया गया है। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। 4 ऑप्शन है, प्रयास, अनुभव, प्रतीक्षा, खबर। जल्दी से बताइए। प्रयास किया जाता है, और ये लड़के बहुत करते हैं, आते हैं पढ़ने के लिए, और जहां वो रहते हैं और पता चलता है कि आसपास कोई लड़की है तो बहुत ही प्रयासरत हो जाते हैं, भाई कौन है, कैसी है, जरा देख लें एक बार, है ना। तो प्रयास अच्छे कार्य में आपको करना है, इन कार्यों में नहीं, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो क्या दिया गया है कि अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है, क्या हो जाएगा? प्रयास। थर्ड में उत्तर क्या हो गया? 98 का ए उत्तर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लीजिए आपको दिया गया है चौथा वाला ना, चौथे में क्या होगा? चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबर, चाय की चुस्की ली जाती है, तो यहां पर चुस्की तो नहीं, चुस्कियों दिया गया है। 99 का उत्तर क्या हो जाएगा? चुस्कियों, डी, चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह समाचार पत्र का सहायता लेता है। ठीक है, यहां पर समाचार पत्र, अगले में यदि ऑप्शन है समाचार पत्र का, तो बिल्कुल सही, यहां बी में दिया गया है समाचार पत्र, तो 100 का बी उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से गाद्यांश भी हो गए, कुल 25 के 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब एक क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा वो आपको बताना है, और वो प्रश्न ये रहा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 4 ऑप्शन है, स्नेह, घृणा, नित्य और सत्य, इन 4 में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, समझ गए। आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, कोई हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम नंबर 7979946092 पे आप हमें मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियोस और भी देखने हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटा वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन कहते हैं उसको, तभी तो आपको पता चलेगा कि वीडियो आ गई है ना, वो कर लीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, और आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो ये सब भी बताते रहिए, ताकि हम लोग को पता चले कि आपको इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।